तेरे बिना जीना नहीं। गाइस इस क्वेश्चन को देखो, पंजाब ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, पंजाब 98C ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इन आ डीसी सर्किट। देखो इंडक्टर तो लगाया हुआ है आपने, लेकिन कहाँ पर लगाया हुआ है ये, कि डीसी सर्किट के अंदर। डीसी सर्किट आपका भाई ये होता है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई आप ये बताओ कि इसका रिएक्टेंस कितना होगा। तो आपको बताया डीसी जो होती है वो करंट होता है, डायरेक्ट करंट, लेकिन डीसी जो है वो टाइम के साथ वैरी नहीं करता, कुछ इस तरह से होता है। एडमिस अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी पर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, जीरो होती है। और आपको पता है इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है वो XL होती है। अगर XL के फॉर्मूले की तरफ जाओगे तो XL इज इक्वल टू होता है 2πf × L, मतलब XL जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता। अब चूंकि DC की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो XL भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब XL क्या है, एक तरह का इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा। तो ये कोई भी करंट ऑफर्ड नहीं करेगा, सॉरी ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड नहीं करेगा करंट के पाथ में, ये वाली बात ध्यान रखना। तो इंडक्टर को लगाओ या मत लगाओ किसी भी डीसी सोर्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिएक्टेंस या फिर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता। ऐसे लगता है जैसे कि आपने कोई कंडक्टर लगा दिया हो इंडक्टर की जगह। इंडक्टर कंडक्टर, बस यही है इसके अंदर।